भंडारी उपमुखिया उम्मीदवार के समर्थन में किए गए मतदान को गलत तरीके से रद्द किए जाने का आरोप। बीडीओ को आवेदन देकर 24 घंटे में पूर्ण विचार करने का दिया अल्टीमेटम। तीसरी प्रखंड कार्यालय में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के नेतृत्व में भंडारी पंचायत से उपमुखिया उम्मीदवार किरण देवी ने बीडीओ संतोष प्रजापति को सोमवार को आवेदन देकर अपने समर्थन में किए गए मतदान को निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से रद्द करने का आरोप लगाया है। आवेदन के अनुसार किरण देवी तीसरी प्रखंड अंतर्गत भंडारी पंचायत के वार्ड नंबर 11 के नव निर्वाचित सदस्य है। वह उपमुखिया पद के लिए उम्मीदवार थी। उसके पंचायत में कुल 12 वार्ड हैं, जिसमें किरण देवी के समर्थन में 7 वार्ड सदस्यों ने एकमुश्त होकर मतदान किया है, जिसमें उसके 2 मत पर क्रॉस चिन्ह लगाने की बात कहकर निर्वाचन अधिकारी तीसरी द्वारा रद्द किया गया, जो कि सरासर गलत है। आवेदिका का कहना है कि चाहे उसके नाम पर क्रॉस लगे अथवा बॉक्स में, बात बराबर है। लिहाजा किरण देवी ने आवेदन पर पूर्ण विचार करते हुए उसके रद्द किए गए मतदान को मान्यता देते हुए उपमुखिया का विजय प्रमाण पत्र दिए जाने अथवा पुनः मतदान कराए जाने की मांग की है। वहीं 24 घंटे के अंदर पूर्ण विचार नहीं करने पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की बात कही है। इस संबंध में वीडियो संतोष प्रजापति ने कहा कि इस मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई है, आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तिसल प्रखंड के अंतर्गत भंडारी पंचायत में उप मुखिया पद के लिए किरण कुमारी जो है किरण देवी उम्मीदवार थी, जिसे भंडारी पंचायत के कुल 12 वार्ड सदस्यों में से 7 वार्ड सदस्यों ने एकमुश्त होकर मतदान उनके पक्ष में दिया और मतदान के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार, वार्ड सदस्यों के अनुसार किरण देवी को विजय प्रत्याशी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा घोषित करना चाहिए था, परंतु गलत तरीके से किरण देवी के पक्ष में जो मतदान किया गया, उसमें 7 में से 2 मतदान जो है सो उसके नाम पर क्रॉस चिन्ह लगाने के कारण रद्द किया गया, जो बिल्कुल असंवैधानिक है और सरासर गलत है। जबकि चाहे क्रॉस चिन्ह बॉक्स पर लगावे अथवा नाम पर क्रॉस चिन्ह लगावे, बात बराबर है। और ये आज इसी विरोध में भंडारी पंचायत की जनता एवं वार्ड सदस्य के साथ मैंने एक ज्ञापन दिया निर्वाचन अधिकारी को, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी तीसरी को, कि वो अपनी माने जो निर्णय है उस पर जो है सो बदलाव करे और किरण देवी को विजय प्रत्याशी का प्रमाण पत्र दे। अगर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो भंडारी पंचायत की जनता और वार्ड सदस्य सामूहिक रूप से 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने निर्णय में बदलाव नहीं करते हैं तो इसके लिए जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक किरण देवी के पक्ष में फैसला नहीं आ जाता है।